एक बंदी की मौत के मामले में सीतापुर जिला कारागार की डिप्टी जेलर विजय लक्ष्मी गुप्ता, चीफ वार्डन सुधांशु श्रीवास्तव और फार्मासिस्ट शैलेंद्र वर्मा के साथ अज्ञात जेल कर्मियों के विरुद्ध धारा 302 यानी हत्या का केस दर्ज होने से हड़कंप मच गया है। यह मुकदमा शहर कोतवाली पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर दर्ज किया है। उधर सीतापुर जेल प्रशासन ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध ली है। बताते चले, मिश्रिक नगर के मोहल्ला रन्नूपुर वार्ड संख्या 3 सीमा सिंह पत्नी उमेश सिंह ने CJM न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर केस दर्ज कराए जाने की गुहार लगाई थी। सीमा सिंह ने आरोप लगाया था कि उनका बेटा बबलू सिंह विभिन्न धाराओं के तहत सीतापुर जेल में बंदी था, जिसे उपरोक्त जेल कर्मी यातना देकर पैसों की मांग करते थे, न देने पर उसे प्रताड़ित किया जाता था। मां ने आरोप लगाया था कि पैसे न दे पाने पर 14 अप्रैल 2023 को उपरोक्त जेल कर्मियों ने उसके बेटे को इतनी बेदर्दी से पीटा कि वह मरणासन हो गया, जिसके बाद औपचारिकता के लिए जिला अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। CJM न्यायालय से आदेश जारी होने के बाद पुलिस ने संबंधित जेल कर्मियों के विरुद्ध हत्या का केस दर्ज कर लिया है। बता दें, सीतापुर जेल में बंदी बबलू सिंह की मौत का मामला काफी चर्चित हुआ था। इसे लेकर जेल के दूसरे बंदी भड़क गए थे और उन्होंने भूख हड़ताल कर दी थी, जिसके बाद आनन फानन में देर रात DIG जेल मौके पर पहुंचे थे। DIG ने करीब 5 घंटे जेल में रुककर जांच पड़ताल की थी। इसी बीच सीतापुर के ASP उत्तरी NP सिंह भी कारागार पहुंचे थे। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।